हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों का BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के बारे में। और इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने से पहले आप लोग हर एक चीज का आंसर अच्छे से जान जाओ। और इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा जो आप लोगों ने पूछा है, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे कि किसी ने पूछा है कि सर फिजिकल पोस्ट में मेंस के लिए कितना गुना रिजल्ट होगा। किसी का क्वेश्चन है कि सर 1/8/2014 तक मेरा एज 18 हो रहा है, बट 2013 तक नहीं हो पा रहा है, क्या करें। किसी ने पूछा कैटेगरी सर चेंज होगा या नहीं। किसी का क्वेश्चन है सर मैंने गलती से परमानेंट एड्रेस में पिन कोड गलत दिया है, तो अब क्या करें, प्लीज बताइए। किसी ने पूछा है कि टंकन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या दिखाना। किसी का क्वेश्चन है सर टाइपिंग इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। किसी का क्वेश्चन है सर फॉर्म कैसे भरें, प्रिफरेंस कैसे दें। किसी का क्वेश्चन है पंचायत सचिव में भी टाइपिंग है क्या। किसी का क्वेश्चन है सर मेरा फादर का नाम गलत हो गया है, इसमें सुधार करने का कोई ऑप्शन बताइए, है ना। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बता दिया कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग प्रॉब्लम। किसी का क्वेश्चन है कि सर अप्रैल में मेंस होगा या जून में। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपका जितना भी क्वेश्चन है सारे का आंसर आपको बता देता हूं, ठीक है। और अगर आप BSSC PT पास किए हो और मेंस का तैयारी सीरियसली करना चाहते हो, तो इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसके साथ साथ आपको सीरियसली पढ़ाई करना है। यहाँ पे मैंने लेकर के आया है आप लोगों के लिए बिहार SSC इंटर लेवल मेंस का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको 300+ वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट क्लास नोट्स PDF प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। लैंग्वेज आपका हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, मैथ्स के लेक्चर का, रीजनिंग के लेक्चर का, जनरल साइंस के लेक्चर का, और इसके अलावा जो लेक्चर आएगा वो आपका हिंदी रहेगा, है ना। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज हिंदी में मिलेगा, तो सब कुछ है, देख लेना। और 2153, है ना, यहाँ पे देखो एक महीना हुआ है और आपका 2153 स्टूडेंट ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो जो लोग सीरियस हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जॉब फिक्स करेंगे, आप लोग पीछे मत हो। आप लोग भी जा करके इस पैकेज को लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर मेरा एक डाउट क्लियर कीजिए, मेरा एज 1/8/2014 तक 18+ हो रहा है, पर 2013 तक नहीं हो पा रहा है, मेरा कोई फायदा नहीं है एग्जाम देना। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पे देखो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने निकाला हुआ है, और ये 2014 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखो 2014 का जो आपका ये नोटिफिकेशन था, है ना, तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ डेट के बारे में। तो मैं आपको डेट बताता हूँ, जैसे कि एक ये पोस्ट है आपका वन रक्ष ही, जिसके लिए आपको 1/8/2014 तक 18 साल होना है, और इसका अधिकतम जो है सो 23 साल दिया हुआ है अनारक्षित के लिए, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 25, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 28, ठीक है। बाकी जो आपका सारा का सारा पद है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम 18 और अधिकतम आपका अनारक्षित के लिए 37 और उसके लिए 40 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42। तो यहाँ पे इसको समझने का जरूरत है, आप लोग समझो, न्यूनतम जो 18 है वो 18 आपका पूरा होना चाहिए 1/8/2014 तक, ठीक है। और ये 1/8/2013 तक अगर आप अधिकतम सीमा पार करते हो, मतलब जो भी अधिकतम सीमा है, जैसे कि वन आरक्षी के लिए 23, अगर मैं सामान्य वर्ग का बात करूं, और बाकी पोस्ट के लिए 37, तो अगर आपको 2013 में 37 हो जा रहा है बाकी पोस्ट के लिए और 23 हो जा रहा है वन आरक्षी के लिए, तो भी आप ये फॉर्म तो 2014 में आया है ना, तो दिया हुआ था कंडीशन क्या भर सकते हो, ठीक है। तो एज का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन है आपका एक स्टूडेंट का कि
सर कैटेगरी चेंज होगा या नहीं, है ना। चलो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एक तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप सिर्फ तीन चीज चेंज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखो सिर्फ तीन चीज ही चेंज करने का ऑप्शन है, एक है आपका मोबाइल नंबर, एक है आपका ईमेल आईडी और एक है आपका वर्तमान पता। तो जैसे ही बात हो जाता है परमानेंट एड्रेस का, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पता चला, मतलब आप पिन कोड चेंज नहीं कर सकते हो परमानेंट एड्रेस का। टेम्पोररी एड्रेस वर्तमान पता का आपको जो करना है वो करो, ईमेल आईडी को जो करना है वो करो, मोबाइल नंबर का जो करना है वो करो, इस तीन के अलावा आप कोई भी डाटा चेंज नहीं कर सकते हो। और कैटेगरी, कैटेगरी आपका चेंज नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कि जब आपने 2014 में फॉर्म फिलअप किया था तो मान लो वहां पे डाला आपने ओबीसी या ईबीसी, अब आप बोलोगे कि सर मैं जनरल में हूँ, है ना, जनरल में हूँ, ऐसा नहीं होता, मजाक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी गलती है। तो आपको एक ही शर्त है जिसमें आपको जॉब लग सकता है, और वो शर्त ये है कि आपको हर एक स्टेप जैसे कि पीटी मेंस, आपको दोनों का दोनों स्टेप या टाइपिंग जो भी है, सारा का सारा स्टेप आपको जनरल कैटेगरी से पार करना पड़ेगा, उसके बाद, क्योंकि जनरल कैटेगरी से रहोगे तो सिंपल सा बात है वो आपका ओबीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हर एक एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको जनरल कैटेगरी से वो नौकरी दे देगा, क्योंकि उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और अगर आपका ओबीसी है और आपने ईबीसी भरा और ईबीसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो गया तो वहां पे वो आपसे ईबीसी का सर्टिफिकेट मांगेगा। आप बोलोगे सर मेरे पास ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का है, वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। तो कैटेगरी से रिलेटेड जिस स्टूडेंट का प्रॉब्लम है उस स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप मेहनत अच्छे से करो और कोशिश करो कि हर एक स्टेप, जैसे कि पीटी भी मैं जनरल कैटेगरी से पास कर जाऊं और मेंस भी मैं जनरल कैटेगरी से पास कर जाऊं। अब जनरल कैटेगरी से पास करने का क्या मतलब है, तो जनरल का जो कट ऑफ है उससे आपको ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अनुज कुमार का ये कमेंट था, सर कैटेगरी चेंज होगा कि नहीं। चलो एक का क्वेश्चन है, सर मैंने गलती से परमानेंट एड्रेस में पिन कोड गलत डाल दिया था तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो जी नहीं, अब आप पिन कोड चेंज नहीं कर सकते हो, पिन कोड जो है वो आपका वही रहेगा, ओके। तो ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे फिर एफिडेविट का भी कुछ सिस्टम है, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो एफिडेविट वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो ये सबसे आपका सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो अगर आपका पिन कोड गलत है टेंशन मत लो, फादर का नाम गलत है टेंशन मत लो, क्योंकि पिन कोड, फादर का नाम, ये सब एफिडेविट के दम पे सुधारा जा सकता है। बट कैटेगरी जो है उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है ना, तो उसको आप सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। किसी स्टूडेंट का कमेंट है कि सर टाइपिंग हिंदी में होगा कि इंग्लिश में, टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश। तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि टाइपिंग हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। किसी किसी पोस्ट के लिए जो है सो साफ साफ लिखा हुआ है दोनों, तो उसमें तो चलो आपको समझ में आ गया कि दोनों मांगेगा, लेकिन बाकी में सिर्फ आपका टाइपिंग है। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज मैं बताता हूँ, आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करो कि आपको टाइपिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, टाइपिंग वाला पोस्ट आपको चाहिए या नहीं। अगर आपको टाइपिंग करने का मन नहीं है तो भी 6000 के आसपास सीट है बिना टाइपिंग का, जिसमें आप अच्छा नंबर लाके अच्छे से पढ़ाई करके डायरेक्ट जॉब ले सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ने में एवरेज हूँ और कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा जिस पोस्ट में टाइपिंग है उसका, तो अगर आप चाहते हो कि आप टाइपिंग करो और टाइपिंग वाला जॉब लो, तो इसके लिए आप सिर्फ एक काम करो, इंग्लिश में आपको खोजेगा 30 वर्ड पीएम और हिंदी में आपको खोजेगा
25 वर्ड पीएम। तो आपको क्या करना है, पहले एक चूज करो कि आपको किस में करना है, इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, पहले आप एक चूज करो। ये मेरे तरफ से सजेशन है आपको, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। जो सॉल्यूशन बता रहा वो सॉल्यूशन समझो। आपने कोई एक चूज किया, मान लो आपने इंग्लिश चूज किया, आप इंग्लिश का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करके एक घंटा, ज्यादा नहीं, आधा से घंटा एक घंटा काफी है, क्योंकि अभी 6 महीना 7 महीना आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये टाइपिंग आते आते तो बहुत टाइम है, आप स्टार्ट करो। अगर आपने हिंदी चुना तो आप हिंदी स्टार्ट करो, ठीक है। प्लस टू लेवल का जॉब है तो सिंपल सा बात है, मैक्सिमम पोस्ट में टाइपिंग होता है और आपने अप्लाई किया है तो टाइपिंग तो थोड़ा बहुत आपको साइड से करना ही चाहिए। तो आप कोई एक चूज करो, इंग्लिश चूज करो तो इंग्लिश का स्टार्ट करो, अगर आपको हिंदी चूज करना है आप हिंदी का स्टार्ट करो, कोई एक, दोनों के चक्कर में मत रहना, नहीं तो पता चलेगा मेंस पास ही नहीं करोगे, ज्यादा टाइम दे दोगे इसमें और मेंस कर जाओगे फेल, फिर टाइपिंग आप देते रहना, है ना। तो मेन टारगेट होना चाहिए मेंस पास करने पे, क्योंकि मेंस पास करोगे तो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट तो मिल जाएगा ना, अगर नंबर अच्छा आएगा तो, और अगर बिना टाइपिंग वाला नहीं मिला तो टाइपिंग वाला मिलेगा। इसके लिए क्या रहेगा, आपका एक टाइपिंग तो अच्छा रहेगा पहले से ही, या तो इंग्लिश का या तो हिंदी का जो आपने चूज किया। और अगर मेंस पास करते हो और टाइपिंग का एग्जाम होता है और मान लो आपको पता चला कि नहीं दोनों देना है, तो एक तो आपका तब तक कंप्लीट है, दूसरा का प्रैक्टिस कर लेना, 2 महीना 3 महीना मिलेगा कर लेना, लेकिन अभी आप दोनों का मत करना, कोई आप एक करके चलो, 99% चांस है कि आपका कोई एक में टाइपिंग करवाएगा, 99% चांस है कि आपका कोई एक में टाइपिंग करवाएगा, तो आपको कोई एक अच्छे से करना है। अगर किस्मत खराब होता है और पता चला कि दोनों में करना है तो अगर कर सकते हो तो कर लेना, और नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो बोलता हूँ कि इस पोस्ट पे टारगेट करना है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि इस पे कट ऑफ काफी ज्यादा जाने वाला है। तो जिस चीज में सियोर हो उस पे ज्यादा फोकस करो, जिस चीज में सियोर नहीं हो उसके लिए अपना दिमाग खराब मत करो, ठीक है। हाँ, कोई एक को पकड़ो और टाइपिंग स्टार्ट करो, कोई एक लैंग्वेज, तब तक के लिए, जब तक कि आगे मैं कुछ और नहीं बताता हूँ। एक का क्वेश्चन है, सर मेरे पापा के नाम में गलती हो गया है, मैंने पहले बोला आपको एफिडेविट के दम पे आप सुधार सकते हो, एफिडेविट के दम पे आप सुधार सकते हो, कोई बात नहीं है, एफिडेविट बनेगा, काम खत्म। एक का क्वेश्चन है, सर हिंदी में निगेटिव मार्किंग है क्या? तो देखो आप लोग लेक्चर अच्छे से देखा करो, मैं हर एक चीज बता देता हूँ, हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग है, सही होगा तो 4 नंबर और गलत होगा तो -1 आपका कटेगा, और ये करने के बाद आपको 30% लाना है तभी पास करोगे, और इसमें अगर पास नहीं करोगे तो आप सेकेंड पेपर में टॉप भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको ये वाला टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने हिंदी भी डाला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको खोलते हो तो कंटेंट देखो, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स है, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है जिसमें बिहार जीके वगैरह तो आना स्टार्ट हो ही गया है, और टेस्ट सीरीज जो है उसमें हिंदी का टेस्ट सीरीज डाला हुआ है, टेस्ट सीरीज है देखो, यहाँ पे सामान्य हिंदी का 4 टेस्ट डाला हुआ है, और वो भी फुल टेस्ट, मतलब 100-100 क्वेश्चन का, ठीक है, और फ्री भी है, अगर आप परचेज करोगे तो आप सारा दोगे, और अगर आप परचेज नहीं करोगे तो ये 2 स्टार्टिंग का 2 देख के देख लेना कि कितना नंबर आपको आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका स्टेटिस्टिक देखते हैं, 46 स्टूडेंट ने दिया है, तो इससे आप अंदाजा लगा लो, नंबर देखो इनका 62, 56, 55, 54, 53, 45, 44, तो जिसका भी 30 से ज्यादा है, यहाँ तक 30 से ज्यादा जिसका भी है, ये सब पास करेंगे और अपना सिलेक्शन फिक्स करेंगे, और जिसका भी ये 30 से कम आया है ये सब फेल करेगा, तो इसीलिए आप लोग भी जाकर के चेक करो, ठीक है, आप लोग भी जाकर के चेक करो। किसी का क्वेश्चन है कि सर एग्जाम अप्रैल में होगा क्या? तो देखो अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका कम से कम जून जाएगा, जून लास्ट तक आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। किसी का क्वेश्चन है सर टाइपिंग चाहिए या टाइपिंग स्पीड? किसी का क्वेश्चन है सिर्फ टाइपिंग आना चाहिए या स्पीड चाहिए? तो स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, अगर हिंदी है तो 25 और इंग्लिश है तो 30, ठीक है, तो ये आपको पता चला। किसी का क्वेश्चन है सर मेंस का तैयारी स्टार्ट कीजिए, टाइम बहुत कम है। तो मेंस का तैयारी स्टार्ट हो चुका है, जाओ इस कोर्स को परचेज करो जो मैंने दिखाया और अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। किसी का क्वेश्चन है कि सर पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में वीडियो बनाइए, तो इसका अगला वीडियो आपका पोस्ट प्रिफरेंस को लेकर के आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग देख लेना।
एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एग्जाम सर ऑनलाइन होगा इस बार या ऑफलाइन होगा, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपको पता चला। किसी का कमेंट था कि सर टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए क्या, टाइपिंग मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट टाइपिंग का, तो जी नहीं, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको जो है सो टाइपिंग स्पीड चाहिए, और मान करके चलो हिंदी का 25 और इंग्लिश का 30, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो ये भी आपको समझ में आया। चलो, और इसके आगे एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ताकि फॉर्म आप कैसे कैसे भरोगे और क्या क्या करोगे।